वंदे मातरम गायन पर घिरी राज्य सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार पर रोक लगाकर नए विवाद को जन्म देने से तौबा कर ली। यह आयोजन हर बार की तरह 12 जनवरी को ही प्रदेश भर में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे हरी झंडी दे दी है। इस फाइल को मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर चंद घंटों में वापस भेज दिया। भाजपा का आयोजन मानते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सूर्य नमस्कार पर रोक लगा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम पिछले साल की तरह पूरी गरिमा के साथ होगा। हालांकि बड़ी अड़चन मुख्यमंत्री का भाषण है। मालूम हो भाजपा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसे वर्ष 2019 में शुरू किया था। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में योग कराया जाता है। इस दौरान 12 आसन कराए जाते हैं। सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन पर राजस्थान सरकार का कदम सामने आने के बाद अफसरों को मध्य प्रदेश में भी रोक लगने की आशंका थी, लेकिन सीएम सचिवालय से फाइल स्वीकृति के साथ लौटी। सूत्र बताते हैं कि फाइल एक हफ्ते पहले सीएम सचिवालय को भेजी गई थी। यह गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने पहुंची और उन्होंने चंद घंटों में स्वीकृति दे दी। अफसरों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री निर्णय से पहले उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अफसर मुख्यमंत्री के भाषण की रिकॉर्डिंग और मंत्रियों की उपस्थिति को लेकर परेशान है। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री व अन्य लोगों को आमंत्रित करने भोपाल आए मौर्य ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मौर्य ने कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होने दीजिए, इसके बाद अयोध्या में भव्य मंदिर जरूर बनेगा। मौर्य से जब हनुमान जी की जाति और धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गौरतलब है कि हनुमान जी की जाति बताने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही की थी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने मीडिया से कहा कि अपराधियों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। प्रदेश में कोई अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। ट्राई द्वारा केबल टीवी और डीटीएच चैनल्स को लेकर बनाए गए नियम को लागू करने की तारीख अब 29 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी हो गई है। इसका मतलब अब यूजर 31 जनवरी तक अपनी पसंद के चैनल्स चुन पाएंगे। इस बीच भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी चैनल की मासिक शुल्क 19 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जो सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स के बनाए पैकेज से संतुष्ट नहीं है। सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स ने ट्राई के सामने जो पैकेज प्रस्तावित किए हैं उनमें कुछ चैनलों की कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ चैनल के लिए तो एक महीने में 60 रुपए तक का शुल्क बताया गया है। इसी स्थिति को देखते हुए ट्राई ने नए निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि नए निर्देश आने के बाद सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स हर चैनल की कीमत तय करेंगे। इससे पहले ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा था कि हमने ब्रॉडकास्टर, डीटीएच ऑपरेटर्स और एमएसओ के साथ बैठक की है। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता दिखाई है। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया है कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे अपने हिसाब से चैनल चुन सके, जिससे आगे उन्हें परेशानी न हो। बता दें कि ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाले थे, जिसके लिए डीटूएच कंपनियों ने तैयारी भी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ आम यूजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दौरान अपने केबल और डीटीएच चैनल्स कैसे चुने। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद ब्रॉडकास्टर सेक्टर को अपने कंज्यूमर को चैनल सेलेक्ट करने और उसी के पैसे देने का ऑप्शन उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि ट्राई के इस आदेश के बाद अब टीवी देखना महंगा होगा। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत घनसूर की ग्राम पंचायत साल्हे पानी के ददरी गाँव में शौचालय चोरी होने का मामला सामने आया। शासन के द्वारा दस्तावेजों में 55 शौचालय का निर्माण कार्य किया गया और इस ग्राम पंचायत को ODF घोषित कर दिया गया। इस मुद्दे पर नया मोड़ तब आया जब दद्दी गांव के शक्ति सिंह के साथ जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और देखते ही देखते अधिकारी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायत साल्हे पानी के पंच भी मौजूद रहे। जैसे ही ग्रामीण जनपद पंचायत पहुंचे तो अधिकारियों ने सभाकक्ष के ताले खोल सभी को बैठा लिया। इस दौरान गांव में बने 55 शौचालय का रिकॉर्ड अधिकारियों से मांगा गया तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई जवाब था। इस दौरान शक्ति सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में एक भी शौचालय नहीं बना है और ना ही शौचालय के नाम पर गड्ढे खोदे गए हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इस गाँव में शौचालय निर्माण कार्य हुआ ही नहीं तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत में इस ग्राम पंचायत को ODF कैसे घोषित कर दिया।
हालांकि इस पूरे मामले पर क्रांति एकता परिषद घनसोर थाने में 55 शौचालय चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है। मैं इसलिए आया, मेरे साथियों ने कहने के चलना हुआ है कि मैं शौचालय का पता लगाना है कि हमारे शौचालय बन गए। मैंने कैसे आपको जानकारी मिली, उनने बताया, साथियों ने बताया कि 55 शौचालय बन चुके हैं। मैं कौन से विभाग से बने, ठीक है आपको भी चलना है, मैं वहाँ चलूंगा, इसलिए आया हूँ। अच्छा, और जो नए भी बने आप वो भी जानकारी मिल गई, और जो शौचालय बने हैं उनकी भी जांच होना चाहिए। पंचायत भर में जो शौचालय बने हैं, भवन बने, उनकी भी तो जांच होना चाहिए। शौचालय की चोरी हुई है? अब हम सचिवालय की चोरी थी, हम कैसे मान लेंगे सचिव? पर इन लोगों ने बताया कि सचिव ने बताया कि बच्चों चोरी छोड़ के 500 रुपए की कहे तुम्हारे पेमेंट हो गया। चोरी तो समझे, 500 रुपए होता है, 1 रुपया कहाँ से पेमेंट हुआ, कैसे बता दिया उसने? अभी तुरंत में हमको जो समझ में आ रहा है, हमारे ग्रामीण लोगों ने जो अपनी स्थिति बताई कि उनके 55 शौचालय ऑन रिकॉर्ड बने हैं, पैसा निकल चुका है, लेकिन स्पॉट पे शौचालय बने नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये शौचालय की चोरी का मामला है। उसके लिए हम आज जनपद में आए, संबंधित अमला से हम लोगों ने, जनपद के भाई हमारे राधे श्याम जी और सुमत काका के साथ हम लोगों ने सबने बातचीत किया। प्रथम दृष्टया हमको ये पता चला कि जिस निर्माण की ये लोग बात कर रहे हैं, वो निर्माण का रिकॉर्ड जनपद में है ही नहीं। अब हम ग्राम पंचायत में देखेंगे बने हैं कि नहीं बने, स्पॉट पे तो नहीं बने, ऑन पेपर्स बने हैं कि नहीं बने, और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे हम लोग। पुलिस भी इसकी जांच करे, चोरी गई हुई चीज का पुलिस ढूंढती कि नहीं ढूंढती? सोना गुम जा, कुत्ता गुम जा, गैया गुम जा, तो अगर टट्टी गुम गई है तो पुलिस ढूंढ के देगी। डीपीएस हादसे के मामले में 5 जनवरी को 1 साल हो गया, उसके बावजूद भी शहर के स्कूली वाहन अभी भी नियमानुसार नहीं चल रहे हैं। इनमें कई लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन आरटीओ ने वर्ष 2018 में करीबन 150 स्कूली वाहन के फिटनेस निरस्त कर दिए थे। एआरटीओ निशा चौहान ने बताया कि यह स्कूली वाहन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं थे, इसलिए आरटीओ ने जाँच में इनके फिटनेस निरस्त कर दिए थे। और शहर भर में स्कूली वाहनों की जांच को लेकर आरटीओ ने 4 दल गठित किए थे। इन चारों दलों ने करीबन 11 लाख रुपए का राजस्व जमा किया था। क्योंकि अब नया सत्र शुरू हो चुका है, तो देखना यह है कि आरटीओ इस बार कितने स्कूली वाहनों पर नजर रखता है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर सके। पिछले साल 5 जनवरी को जो डीपीएस हादसा हुआ, उसके बाद एक बैठक की गई। बैठक के बाद निर्णय लिया गया, दल बनाए गए। दल बना के अलग अलग स्कूल, जितने भी स्कूल हमारे इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वहाँ दल गए संयुक्त रूप से। यातायात विभाग और परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों में समझाइश दी गई, लिटरली खुद देखा गया कि क्या कमियाँ हैं। और इसके अलावा भी साल भर जो हमारे आरटीआई हैं श्री बघेल, उनको निर्देशित किया गया, और उन्होंने साल भर जो है करीब 150 से ऊपर स्कूल बसों के चालान बनाए। 11.5 लाख रुपये उस पर राजस्व वसूला गया। साथ में स्कूलों के द्वारा भी खुद फील किया गया इस चीज़ को, और जो ऐसी बसेस थी जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी या पुरानी हो गई थी, उनके लिए पंजीयन निरस्त के लिए आवेदन दिया, उनका पंजीयन निरस्त किया गया। इंदौर के समीप खुड़ेल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि 3 युवकों को सड़क पार करते समय एक डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, और वहीं पीछे बैठे 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूरी घटना एक होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़वाह के सिविल अस्पताल में शासन के लाखों प्रयासों के बावजूद भी लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल अस्पताल का है। शनिवार की शाम को एक युवक की मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल होने पर सिविल अस्पताल बड़वाह में डॉक्टरों ने उपचार के दौरान भारी लापरवाही बरती, जिसे घायल मरीज को 2 घंटों तक बाहर बिठाकर रखा गया और नकली भर्ती पर्ची दे दी गई। अब टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन पर हेरिटेज ट्रेन के रुकने का समय 20 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया गया है। टंटिया मामा भील स्टेशन पर हेरिटेज ट्रेन 11:20 से 12:20 तक रुकने के बाद टनल के पहले बने ब्रिज का खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए लगभग 15 मिनट रुकेगी। इसके बाद 1:25 पर सीधे कालाकुंड पहुंचेगी। यहां लोगों को रुकने के लिए लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा। डीआरएम आरएन सुनकर के मुताबिक हेरिटेज ट्रेन के कालाकुंड में रुकने का समय कम करने और टंटिया मामा भील स्टेशन पर बढ़ाने की मांग यात्री कर रहे थे।
इसे DRM ने मंजूरी दे दी है। रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन के लौटने का समय दोपहर 2:55 बताया है, लेकिन यह गाड़ी यहां से 3:30 निकलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सनावत से आने वाली ट्रेन के साथ अटैच होकर जाती है, जिसका समय कालाकुंड में 3:25 है। यहां से 4:15 पातालपानी स्टेशन पर रुकती है और 4:25 पर महू पहुंचती है। इस तरह ट्रेन के लौटने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने सबसे ज्यादा व्यवस्था पातालपानी स्टेशन के बजाय टंटिया मामा भील स्टेशन पर की है। यहां सेल्फी पॉइंट और झरना देखने के लिए ऊंचाई पर अलग से जालियां लगाई गई हैं। पहले लोग जब एक एक स्पॉट देखते थे ट्रेन चलने का समय हो जाता था, अब पर्यटकों को पूरा व्यू देखने के लिए समय मिल सकेगा। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार शराब और महंगी हो सकती है। सरकार खाली खजाना भरने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण फीस में 5% का इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके माध्यम से 500 से 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी संभावित है। 2018 और 2019 में शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 15% फीस बढ़ाकर किया था। इससे इस वित्तीय वर्ष में करीब 9000 करोड़ रुपए की आय मिलने का अनुमान लगाया गया है। अभी तक आबकारी से सरकार को 5,861 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में इस बार अभी तक लगभग 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा चल रहा है। स्टेट GST और स्टाम्प एवं पंजीयन को छोड़कर सभी आय के स्रोत से वसूली तय लक्ष्य से कम चल रही है। बताया जा रहा है कि राजस्व में वृद्धि के लिए आबकारी से होने वाली आय को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसमें शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की फीस में 15 की जगह 20% वृद्धि की जा सकती है। इसे 500 से 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार लंगड़ी है। इस वजह से सरकार पर कभी कोई दबाव डालता है तो कभी कोई। टेंशन में काम कर रही सरकार अपने ही निर्णय बदलती रहती है। एक मंत्री दबाव बनाता है तो उसका विभाग बदल दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरकार में असली मुख्यमंत्री कौन है, फैसले कौन ले रहा है। शिवराज शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। शिवराज ने कहा कि सीटों के अंक गणित में भले ही हम पिछड़ गए हों, लेकिन जनता का ज्यादा विश्वास आज भी हमारे साथ है और यही हमारी पूंजी है। हम रुकने झुकने और थकने वालों में से नहीं है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम संघर्षों में पले बड़े हैं। सभी कार्यकर्ता अगले समय की तैयारी में जुट गए हैं। हमें हिसाब किताब बराबर करना है। शिवराज ने कहा कि मीसाबंदी लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले वो सैनिक है जिन्होंने कांग्रेस सरकार की तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। अब कांग्रेस की सरकार इन लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके कांग्रेस इमरजेंसी के कलंक को झुटलाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक के बाद एक भाजपा सरकार के कामों और योजनाओं को बदलने का काम कर रही है। अब सरकार संबल योजना बंद करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस सरकार संबल योजना बंद करके दिखाए। कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए हैं वह सब उन्हें निभाने पड़ेंगे। युवा मोर्चा हर पंचायत में बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरवाएगी। शिवराज ने कहा, मैंने कहा था कि क्यों चिंता करते हो, टाइगर अभी जिंदा है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी ने भी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।